आज विधानसभा में क्या कुछ है और क्या जो कोनी में बिल्डिंग बन रही है क्या वहाँ पर उसे आज खुश होने का मौका है इस बाबत भी कि बिलासपुर के लिए पहल हुई और इस बाबत की कि आपने ऐसे विधायक को चुना जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, बहुत जागरूक रहते हैं और जागरूकता से पहल करते हैं। एम्स बहुत बड़ी एक चिकित्सा के क्षेत्र में संस्थान होती है और जैसे ही उनको पता चला कि केंद्र में विचार हो रहा है कि छोटे राज्यों में तो एक खुले लेकिन तुलनात्मक बड़े राज्यों में एक से ज़्यादा एम्स खुल सकते हैं, दो खुल सकते हैं, उन्होंने बिलासपुर के लिए पहल की थी। 1 जनवरी को मुझे यहाँ आने का मौका मिला था और उसी दिन उनने कहा भी और उनने कहा कि नहीं बाबा ऐसे नहीं, जब तक मैंने चिट्ठी नहीं भेजी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को तब तक इनने चैन नहीं लिया। तो ये अच्छा है, ऐसा विधायक साथी के रूप में हो, ऐसे साथी सब खड़े हैं, इन लोग पहल करता है और उचित पहल हुई, बिलासपुर के लिए पहल हुई। पुराना संभाग बिलासपुर और सरगुजा संभाग मिला के हुआ करता था, रायपुर में बड़ी दिक्कत होती है, एम्स में इतने मरीज आने लगे हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ के ही लोगों की बड़ी मांग रहती है और बिस्तर नहीं मिलते, बहुत दिक्कत। हम लोग को रोज़ फ़ोन आते हैं किसी न किसी के कि एम्स के लिए हमको बिस्तर अगर मिल जाए। उस स्तर की संस्था छत्तीसगढ़ में अगर खुलनी है तो सबसे उपयुक्त स्थान आज बिलासपुर है और विधानसभा में भी यही बात आई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी इस संबंध में चर्चा हुई है और उनकी भी पूरी सहमति है कि अगला एम्स अगर खुलता है तो बिलासपुर में। क्या कह रहे थे, हरी झंडी मिल पाएगी क्या एम्स खुलने के बिलासपुर? ये राष्ट्रीय स्तर की नीति है और एक से ज़्यादा एम्स जब खुलेगा तो छत्तीसगढ़ में, जब खुलेगा तो बिलासपुर में खुलेगा, सबको करना चाहिए क्योंकि ये केंद्र की नीति है तो स्वाभाविक है कि सांसदों को भी पहल करना चाहिए, पहले भी करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके विधायक थोड़ा आगे बढ़ गए। चुनावी साल भी है बाबा, किस तरह से देखते हैं चुनावी साल है, कांग्रेस को कहाँ पाते हैं क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो भी संगठनात्मक रूप से मजबूती के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा, इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी एक कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही। किसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? अपने गवर्नर को। विधानसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं किसके? अपने गवर्नर को। अपने गवर्नर जिनको प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया है, उनके भाषण को नहीं होने दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस स्तर पे आज उनको पहल करना पड़ रहा है पब्लिक के बीच में फोकस में आने के लिए। स्थिति उनकी अभी कमज़ोर है, उनको मेहनत करना चाहिए, लेकिन भाजपा को आरएसएस के साथ कांग्रेस को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। बनेगा, ये कार्रवाई चलती रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा चाहिए, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, इसके बाद पूर्व से पश्चिम की यात्रा चल सकती है, चलेगी, कार्रवाई चलती रहेगी, कांग्रेस की सक्रियता बनी रहेगी। परिणाम तो दिखाई देना चाहिए ना? दिखेंगे। बाबा एक सवाल खड़ा हुआ, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उन लोग उसकी बात नहीं करते कि वहाँ उनकी एक सीट चली गई। 30 साल से भाजपा जहाँ से जीता करती थी आज वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं बताएंगे। उनकी 2 सीट मेघालय में आई है, उसको कहेंगे हम जीत गए, 60 में लड़े और 2 सीट आई, वो उनकी विजय है। और 30 साल से जहाँ हारते नहीं थे विधायक, वो हार गए महाराष्ट्र में, उसके तरफ ध्यान नहीं ले जाते। हाई कमांड अच्छा
भूपेश बघेल को कटिंग करने देखा 5 साल और पिछले बार ये स्ट्रॉन्ग बनी थी कि लोग मुख्यमंत्री बने, इस बार क्या माने छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी टीएस को? अभी तक टीएस बाबा का नंबर तो नहीं लगा, अब आगे के लिए अमूमन जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमांड। आपका प्रयास जारी रहेगा? मेरा तो लोगों के बीच में काम करने का प्रयास चलता रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।